हेलो गाइस, मैं हूं परवीन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन पे। तो आज का हॉल होने वाला है बहुत ही औसम, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं मीशो के ज्वेलरी का हॉल, जिसमें कि ढेर सारी बैंगल्स हैं, नेकलेस सेट हैं। तो ज़रा भी देर ना करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल। सबसे पहले मेरे पास है ये गोल्डन कलर का बैंगल, ये पूरा 48 बैंगल्स का सेट है। ये मेटल पे है, जैसे आजकल वेलवेट वाली चूड़ियाँ चली हुई थी, ये वेलवेट वाली नहीं है, ये मेटल है। इसमें कोई कोटिंग नहीं है। वेलवेट वाली क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद वो कोटिंग उसकी निकलने लगती है, बट इस तरह की जो होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ये बहुत प्यारी है, गोल्डन कलर और सिल्वर कलर तो मस्ट बाई है, वो आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आप और भी कई तरह की कलर की चूड़ियों के साथ आप इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इतनी प्यारी चूड़ियाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बिल्कुल खूबसूरत लग रही है पहनने पे। आप इसे जिसके साथ भी चाहें मिक्स एंड मैच करिए, या फिर ऐसे ही पहनिए। आप चाहें तो साइड साइड में बैंगल्स लगा लीजिए, या फिर अलग अलग तरह के बैंगल्स बीच बीच में लगा करके पहनिए। ये बहुत प्यारी लगेगी, बहुत खूबसूरत है, ये मस्ट बाई है। सबके कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सबका प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। एक्चुअली मुझे प्राइस सबकी याद नहीं है, तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कितने की है। ये बहुत प्यारी है, मस्ट बाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसके बाद है मेरे पास ये सिल्वर कलर की, जो मैंने अभी गोल्डन दिखाया उसी में ये कलर ऑप्शन था, ये सिल्वर और वो गोल्डन, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद आया। मुझे सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर की ही लेनी थी, इस वजह से मैंने दोनों ही मंगा लिया है। मुझे सिल्वर ये बहुत पसंद आया और गोल्डन भी बहुत ही प्यारी है। आप दोनों मस्ट बाई है, दोनों आपके पास होनी ही होनी चाहिए। मैं इसे ओपन कर देती हूँ। ये भी 48 बैंगल्स है, बहुत प्यारी है ये भी, और इसमें कटिंग वाली है ये। इसमें हल्की सी जो चूड़ियों के बीच में ऐसे हल्की सी कटिंग हुई है, जिसकी वजह से सेंटर से इसमें शाइनिंग आ गई है। बिल्कुल प्लेन और फेडेड वाली नहीं है, इसमें कटिंग हुई है, इस वजह से ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें शाइनिंग है हल्की हल्की, सिल्वर कलर की है। इसे भी आप किसी भी कलर के साथ मैच कर सकते हैं, ये सिल्वर गोल्डन बेसिक कलर है, तो ये आपके पास होनी ही चाहिए, है ना प्यारी? बहुत ही खूबसूरत है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है पहनने पे, बहुत प्यारी है, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। बहुत खूबसूरत है, आपके पास होनी ही होनी चाहिए। थर्ड है मेरे पास ये पर्पल कलर की, ये कलर इतना प्यारा है, बट ये कैमरे में इतने अच्छा से दिख नहीं रहा है, बट इसका कलर बहुत ही प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत है। इसके पहले मैंने आपको अपनी साड़ियों के कलेक्शन में दिखाया था सेम कलर की साड़ी, सीक्वेंस वाली, मैंने उसी के साथ मैच करने के लिए इसे और गोल्डन वाली मंगवाई है। उसके साथ मैच करके इसका कलर बहुत ज़्यादा खिल करके आता है, बहुत प्यारा लगता है ये। ये मुझे बहुत प्यारा लगा इसका कलर, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये भी 48 बैंगल्स से आपको मिलती है, मेरा साइज 2.6 है, वो मुझे थोड़ी ढीली होती है, बट मैंने जानबूझ करके मैं 2.6 ही मंगाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा घर में तो पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए बार बार निकालने पहनने में ईजी होती है। अगर आप वन साइज बिगर मंगाते हैं तो मैं हमेशा 2.6 ही अपने लिए बाई करती हूँ।
ये है 48 बैंगल्स, बहुत प्यारी है। इसे भी आप ट्राई कर सकती हैं, क्वालिटी भी इसी की बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है, जैसा कलर मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही कलर है, ये बहुत प्यारा है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही पहनिए या फिर बैंगल्स के साथ मैच करके पहनिए, बहुत प्यारा है ये। आप चाहें तो इसे इस तरह भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, गोल्डन के साथ पर्पल मैच करने पे बहुत प्यारा लग रहा है ये। बहुत ही प्यारी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ये वेलवेट वाली है, ब्लू कलर की है, इस पर वेलवेट कोटिंग है तो ये मेटल की, बस इसके ऊपर वेलवेट कपड़ों वाली जो होती है ना वैसी कोटिंग है। इसको भी मैंने 2.6 में मंगाया था, बट ये मुझे उस बाकियों से थोड़ी सी छोटी लगी, बट कलर वगैरह बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कलर क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, जैसा था वैसा ही मिला है, बट साइज़ हल्की सी 2.6 मुझे नहीं लग रही है, उससे थोड़ी सी छोटी है ये। तो आप जब भी मंगवाएं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रख करके मंगवाते हैं आप, तो ये वाली प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें। सिल्वर के साथ मैंने इसे लगाया है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इससे आपको साइज़ का भी एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि ये भी 2.6 मैंने ऑर्डर किया था और ये भी, बट दोनों को देखिए डिफरेंस हल्की सी, ये वाली छोटी लग रही है, बट कलर इसका इतना प्यारा सा ब्लू है, रॉयल ब्लू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वेलवेट वाली है तो बिल्कुल बिल्कुल कपड़े में जैसे एकदम ओरिजिनल सा कलर आता है ना वैसा, क्योंकि जनरली जो आप बैंगल्स लीजिए तो उसमें वैसा कलर खिल करके नहीं आता जैसा हम कपड़े के साथ देखते हैं, बट इस पर वेलवेट की कोटिंग होने की वजह से ये बिल्कुल फैब्रिक की तरह ही इसका लुक आता है और कलर बिल्कुल फैब्रिक की तरह ही खिला हुआ रहता है, तो इस वजह से बहुत प्यारा लगता है। ये थोड़ी जल्दी ख़राब तो होती है बट खूबसूरत भी लगती है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, आपको जो कलर पसंद आए आप वो कलर आप ले सकते हैं। आज तो बहुत सारे बैंगल्स के कलेक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इसके बाद है नेकलेस जो कि बहुत ही प्यारा है, कुंदन का ये नेकलेस है, इस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, बबल रैप के साथ आया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस तरह के बड़े बड़े जो कुंदनवा हैं, जो इस तरह के जो स्टोन आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, और इस तरह की जो ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आपको कुंदन मिल जाता है और ये बड़े बड़े साइज़ के कुंदन मिल जाते हैं, फिर नीचे भी कुंदन है और ये ग्रीन कलर की पर्ल के साथ वाइट कलर की छोटी छोटी पर्ल्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये ग्रीन कलर की पर्ल के साथ यहाँ पे लड़ियाँ बनी हुई हैं जो आपको नेक को कवर करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये वाली चोकर, मस्ट बाई है, मस्ट बाई, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये, आपको तो ये बिल्कुल ट्राई करना बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ये प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये मीशो पे बहुत ही कम प्राइस में मिली है मुझे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ मुझे मिला है ये इयररिंग, इयररिंग में भी सेम इतने बड़े बड़े से स्टोन लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं नीचे भी, और ये पर्ल, ग्रीन पर्ल और वाइट पर्ल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हाईली रिकमेंडेड है, मस्ट बाय, मस्ट बाय। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस तरह के नेकलेस बहुत फैशन में हैं, स्टोन वाले, बड़े बड़े कुंदन वाले, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए, मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेड है, प्राइस भी बहुत सही है, 559 की है ये,
और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे, आप जिस भी कलर पसंद करते हैं आप। उसके बाद मैंने मंगाया था एक ज्वेलरी सेट जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ इसकी वीडियो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। वो नेकलेस सेट था 945 रुपीज़ का, बहुत ही खूबसूरत सेट था, मैंने वो देख करके ही मंगाया था। लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ तो उसकी जगह आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। जैसे क्लीनिंग के लिए जिस तरह की पुरानी फैब्रिक वगैरह जो मार्केट से हम खरीद करके लाते हैं जो घर की साफ़ सफाई के लिए, उस तरह की एक पुरानी सी 40-50 रुपये वाली साड़ी मुझे उस बॉक्स में भेजा था उस सेलर ने। तो मैंने मीशो से फिर कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मेरा रिफंड तो कर दिया, बट इस तरह के प्रोडक्ट आप देख करके ही मंगाएं क्योंकि न्यू सेलर से मैंने मंगा लिया, कोई भी रिव्यू वगैरह नहीं थी, कुछ इमेज वगैरह नहीं थी वहाँ पे, तो मैंने मंगा लिया था। तो मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, बट ये है कि मीशो ने मेरे पैसे रिफंड कर दिए। तो आप प्लीज़ उसे एक बार चेक करके देख करके ही इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाइए। तो अगर आपको मेरा चैनल सही हाथ लगता है, पसंद आता है, मेरे वीडियोज़ को आप पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।